सरकार में मंत्री सतेंद्र जैन को कोर्ट ने 9 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें राउत एवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया गया। ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारे पास डाटा एंट्री है कि कैसे हवाला में पैसा लगाया गया, पैसा भेजा गया है। ईडी ने 14 दिनों की कस्टडी की मांग की। इससे पहले ईडी अधिकारियों ने कहा कि कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे। सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, शहरी विकास और जल मंत्री है। एजेंसी ने पिछले महीने कहा था कि जैन के परिवार और जैन से संबंधित कंपनियों की 4,81,00,000 मूल्य की संपत्ति को उनके खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है। तब ईडी ने एक बयान में कहा था कि लगभग 4,81,00,000 मूल्य की अचल संपत्तियां अंकिजन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मंगलयातन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, JJIGL स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजीत प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन से संबंधित है। ईडी ने 6:10 पे शाम पे अरेस्ट किया था। आज कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद ईडी ने 14 दिन की रिमांड की एप्लीकेशन फाइल की थी। 14 दिन की रिमांड वो लोग चाहते थे, ईडी रिमांड चाहते थे। सुनवाई हुई और दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय अदालत ने उनकी 14 दिन की रिमांड को नकारते हुए 9 तारीख तक, आज से 9 तारीख तक जो है रिमांड ग्रांट करी है और उनको दोबारा 9 जून को दोबारा इस कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। दिल्ली से BCN न्यूज़ के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।